प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेजी में एक कहावत है, ए गुड कारपेंटर इज वन हु नोज वन्स टूल्स वेल, यानी अच्छा मैकेनिक वो है जो अपने औजारों को अच्छी तरह जानता है। अब यहां पर यह बात कैसे रेलेवेंट है? देखिए, मैथमेटिक्स में हम डिफरेंट रियल लाइफ सिचुएशंस को स्टडी करने के लिए टूल्स डिफाइन करते हैं, और हमारे पास उसमें एक बहुत ही एलिमेंट्री बेसिक टूल है जिसको हम कहते हैं लिमिट। आपने देखा होगा अक्सर हम पूरे कैलकुलस में लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बातें करते हैं। तो मैं आइए आज आपको लिमिट, कंटिन्यूटी के बारे में बताऊंगा और ये किस तरह से हम को मदद करती हैं स्टडी करने के लिए। देखिए, तो पहले हम ले लें कर्व्स के बारे में, क्योंकि लिमिट और कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट कर्व्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कर्व्स के बारे में ले लें। कर्व्स कार्टेशियन फॉर्म अभी हम लेंगे, वाई इक्वल टू, एक हमने कर्व लिया मॉड एक्स, बहुत कॉमन कर्व है वाई इक्वल टू मॉड एक्स। देखिए क्या है कर्व, मॉड आप जानते हैं फंक्शन, मॉड का यह मतलब होता है कि एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लेकिन उसकी वैल्यू हमको पॉजिटिव ही लेनी है। मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी चाहे एक्स पॉजिटिव हो या नहीं, यानी अगर एक्स बराबर तीन है तो मॉड एक्स बराबर तीन, और एक्स बराबर अगर माइनस तीन है तो मॉड फिर मॉड एक्स थ्री आ गया। अब आप देखिए कर्व कैसे बनेगा, यानी क्या मतलब हुआ कि अगर x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन जीरो, तो y बराबर मॉड x में x हो गया, मॉड लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और x अगर माइनस है यानी लेस देन जीरो है तो y बराबर माइनस x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x खुद निगेटिव है, एक निगेटिव और लग गया तो डबल निगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब y इक्वल टू x, ये देखिए कर y इक्वल टू x, ये लाइन होती है। अगर y इक्वल टू पूरा लेना होता तो ऐसे लेते, लेकिन ये केवल x ग्रेटर देन जीरो के लिए है, x लेस देन जीरो के लिए ये हो जाएगा तो वो आपका ये हो जाएगा y इक्वल टू, क्या देखिए y इक्वल टू माइनस x, ये लाइन है तो ये कर्व बन गया इंग्लिश का लेटर v, y इक्वल टू मॉड x। ऐसे आप एक कर्व और ले लें y इक्वल टू x मॉड x, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कर्व है, x mod x means x into mod x। अब जब x greater than 0 होगा तो y हो जाएगा आपका x into mod x, फिर x हो गया यानी x square, तो x square equal to y बन गया। ये क्या होता है, ये x square कोई मालूम है आपको, पैराबोला है, जैसे एक पैराबोला इधर ऐसे एक पैराबोला इधर, x square equal to y। जब x आपका निगेटिव होगा लेस देन जीरो तो y बराबर x इंटू, देखिए ये मॉड x है तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब x स्क्वायर इक्वल टू माइनस y, ये हो जाएगा, ये पैराबोला हो गया। लेकिन हम कंडीशनल है, कंडीशनल माने y इक्वल टू x स्क्वायर तो तब है जब x ग्रेटर देन जीरो है, तो x ग्रेटर देन जीरो तो इधर हुआ इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव के लिए तो ये है, ये नहीं होगा, ये बना ना, x ग्रेटर देन जीरो के लिए ये और लेस देन जीरो के लिए ये। अब आपने देखा ये कर्व और ये कर्व, ये बना y इक्वल टू x मॉड x, इसमें एक इंटरेस्टिंग हमको चीज मिल रही है, जस्ट ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द कर्व एट ओरिजिन, ये ओरिजिन है, हमको कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी मिलेगी। आप ये देख रहे हैं कि यदि मैं इसको आधा स्टडी करूं इधर, तो ये लाइन इसको टच कर रही है यहां पर ओरिजिन पर, यानी ये टेंजेंट है। अगर मैं इसको इधर से स्टडी करूं कैसे, तो यही लाइन टेंजेंट है, देखिए। अगर मैं
पूरी एंटिटी ले लूं, पूरी लाइन देखूं, तो मैं ये कहूंगा कि ये लाइन तो कट कर रही है कर्व को। क्यों? क्योंकि इधर को कर्व ऊपर है, टेंजेंट नीचे है, इस साइड में कर्व नीचे है, टेंजेंट ऊपर है। तो देखिए चेंज हो गया, कर्व ऊपर, कर्व नीचे। तो जब आप एक लाइन में इस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ओबीएस है कि ये लाइन काट रही है यहां पर, तो ये तो एक नई सिचुएशन क्रिएट हो गई। टेंजेंट भी है और काट भी रही है, जबकि हमने तो ये पढ़ा है कि टेंजेंट तो काटता नहीं, तो ये नई चीज आ गई। यानी ये ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जिस पर टेंजेंट भी है और काट भी रहा है टेंजेंट कर्व को। ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नया पॉइंट आ गया, टेंजेंट जहां पर कर्व को काटे। चलिए एक करवा लीजिए आप, फिर उसके बाद हम लिमिट का कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे। वाई इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, या मॉड एक्स ऊपर भी ले सकते हैं, मॉड एक्स अपॉन एक्स। ये कर्व है, देखिए इसमें क्या है, जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ये बन जाएगा y इक्वल टू x अपॉन मॉड x, खुद पॉजिटिव हो गया x, यानी कि 1। जब x निगेटिव होगा तो y इक्वल टू x अपॉन, चूंकि x निगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू माइनस x होगी, तो ये हो गया माइनस 1। सवाल उठता है जब x बराबर 0 हो, तो ये हो जाएगा y बराबर 0 अपॉन 0, विच इज अनडिफाइंड, इनडिटर्मिनेट। अब इसका ग्राफ बनाइए, जब x पॉजिटिव तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई। जब x निगेटिव तो y इक्वल टू माइनस 1, तो x निगेटिव इधर होगा तो y इक्वल टू माइनस 1 नीचे आएगा, यानी ये हो गया y इक्वल टू माइनस 1, ये ओरिजिन है। जब x 0 यानी ओरिजिन पर वैल्यू अनडिफाइंड है, मैं वाई यानी ऑर्डिनेट ले नहीं सकता, तो मैं यहां पर ब्लैंक है, यानी ये बना आपका कर्व वाई इक्वल टू, सिग्नम फंक्शन कहते हैं इसको, सिग्नम फंक्शन। अब आप इसमें देखिए, ये तो मैंने आपको कर्व के बारे में बताया, चलिए एक कर्व ले लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स। बहुत सारे इस तरह के कर्व है, एक और कर्व है वाई इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कर्व। तो चलिए इसको देखते हैं, वाई इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स। अब क्या होगा, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो वाई बराबर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि जब एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एक्स ही हुआ, बराबर जीरो। x जब निगेटिव है तो y हो जाएगा आपका x माइनस मॉड x, खुद माइनस x हो जाएगा, माइनस x यानी 2x। माइंड इट, x निगेटिव है यहां पर, और जब जीरो होगा x तो जीरो माइनस जीरो यानी इसमें कवर हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। अब इसका आपने ग्राफ बनाया, ये देखिए y इक्वल टू जीरो जब x पॉजिटिव है, तो y इक्वल टू जीरो मीन्स x एक्सिस, ये हो गया। और जब x निगेटिव है तो y इक्वल टू 2x, x इधर को आएगा। तो ये देखिए ये बना आपका ग्राफ, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर वेल डिफाइंड है कर्व जीरो माइनस जीरो। तो ये मैंने कर्व्स के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। आइए बात करें
लिमिट कंटिन्यूटी के बारे में। तो देखिए, लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है इसको डिफाइन करने से पहले मैं दो शब्दों के बारे में डिस्कस करूंगा, वो है वेल डिफाइंड और फाइनाइट एंड डेफिनिट। तभी हम लिमिट समझ पाएंगे। फाइनाइट एंड डेफिनिट और वेल डिफाइंड। देखिए, वेल डिफाइंड किसी भी चीज के बारे में, ये इट इज वेल डिफाइंड, इसका ये मतलब है कि उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है और उसका जो मीनिंग है वो सबके लिए एक ही है। ये नहीं कि उसको मैं किसी और तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूं, आप किसी और तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। जैसे आप उदाहरण लीजिए, दो फ्रेंड्स हैं, उनको ये उन्होंने ये डिसाइड किया कि बहुत दिनों से हम लोग मिले नहीं है, कहीं पर बैठेंगे, कॉफी वगैरह पियेंगे, गप मारेंगे। छवि कहाँ मिलेंगे? कहीं भी मिल जाना या कभी भी मिल जाना। अब एक उन्होंने मीटिंग पॉइंट तो बना लिया, हम देहरादून में हैं, तो मान लीजिए हमने कहा घंटा घर पर मिलेंगे। अच्छा, ठीक हो गया, कब मिलेंगे? कभी मिल जाना। अब वो दोनों फ्रेंड में क्या हो रहा है, एक फ्रेंड तो सुबह जा रहा है, दूसरा फ्रेंड शाम को जा रहा है, मुलाकात नहीं हो रही महीने भर से। क्यों? क्योंकि टाइम तो फिक्स किया ही नहीं उन्होंने। तो है क्या, हालांकि 24 घंटे हैं दिन में, तो है तो फाइनाइट ही हो, 24 घंटे ही तो है दिन में, फाइनाइट है 24 घंटे, ज्यादा 25 घंटे तो होते नहीं दिन में। तो वो जो है पीरियड फाइनाइट तो है लेकिन डेफिनिट नहीं है। डेफिनिट कब होगा? 8 बजे मिलना, इसमें देखिए क्या कमी है, 8 बजे मिलना। कमी यह है कि दिन में 8 दो बार बजते हैं। अगर हम 12 घंटे की क्लॉक लें तो मैं तो जा रहा हूं, दो फ्रेंड हैं, मैं तो जा रहा हूं सुबह 8 बजे, आप जा रहे हैं शाम के 8 बजे, महीने भर से जा रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि मैं भी 8 बजे जा रहा हूं, आप भी 8 बजे जा रहे हैं। वो इसलिए कि 8 भी बजना ये ठीक नहीं है, बिल्कुल प्रिसाइज नहीं हुआ, प्रिसीशन हुआ है ना, मैथमेटिक्स एक्यूरेसी। अगर आप ये कहें कि 8 बजे शाम को मिलना, रात को मिलना, या मान लीजिए 8 बजे चलिए प्रातः मिलना, सुबह मिलना, सुबह 8 बजे मिलेंगे, अब मैं भी सुबह 8 बजे पहुंच गया, आप भी सुबह 8 बजे पहुंच गए, मिल गए, ये हुआ डेफिनिट। तो आपकी समझ में आया, फाइनाइट एंड डेफिनिट में फर्क होता है। कोई भी चीज अगर फाइनाइट है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि वो डेफिनेट भी है। फाइनाइट और डेफिनेट का अंतर। अब आप आइए जैसे आपने अभी देखा, एक हमने लिया मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स जब नॉन जीरो है, नॉन जीरो तो इसकी वैल्यू डेफिनेट होगी। कोई भी आप ले लीजिए, एक्स अगर -3 है सब उदाहरण के लिए, तो ये हो जाएगा 3/-3, क्योंकि मॉड है तो 3 हो जाएगा, -3 इसकी वैल्यू -1 आ गई, डेफिनेट है। यानी एक्स जब जीरो नहीं है और निगेटिव है, एक्स लेस देन जीरो, तो इसकी वैल्यू -1 है, डेफिनेट। लेकिन जब एक्स जीरो है तो ये हो जाएगा 0/0, विच यू कॉल इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी, और यू कैन से अनडिफाइंड। 0/0 हम कह नहीं सकते कितना होगा, अनडिफाइंड है, एम्बिग्यूटी आ गई। तो इस सिचुएशन को हम कैसे डील करें? दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए मैंने फंक्शन लिया y=fx और वो ले लिया मैंने x²-9/(x-3) सपोज। ये हम कब डिफाइन करेंगे? जब x जीरो नहीं है, जब x 3 नहीं है, जब x की वैल्यू 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हम करते क्या है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, डिवीजन बाय 0 इज नॉट परमिटेड। तो x जब 3 होगा तो ये 3 0 हो जाएगा, इसलिए हमने कंडीशन लगा दी कि x जब 3 नहीं है तब तो यह है फंक्शन।
सवाल ये उठता है कि जब एक्स थ्री होगा तो ये क्या हो, कैसे? जब एक्स थ्री होगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9, वही सिचुएशन आ जाएगी, 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो गया। हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं। अब सवाल ये है कि जब थ्री नहीं है तब तो ठीक हो गया, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड, कैसे? ये हो जाएगा, इसके इसको लीजिए, इसके आप फैक्टर कर सकते हैं, x-3 और x+3 अपॉन x-3। बिकॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री, इट मीन्स x-3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, और चूंकि ये नॉन जीरो क्वांटिटी है तो आप इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ गया y इक्वल टू x+3। आपको मालूम है अगर आप इसका एक ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू x+3 जो है वो आपको स्ट्रेट लाइन देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा, लेकिन कब? जब x 3 नहीं है। अब हमने देखा 1 2 3, ये 3 है तो इसके सामने, यानी जब 3 होगा तो ये चीज रिमूव हो जाएगी, ऐसे। अब बन गया, देखिए जब x 3 नहीं है तो ये लाइन वेल डिफाइंड, लेकिन जब x 3 है तो ये, मैंने ब्लैंक इसलिए कर दिया कि ये तो 0/0 हो गया, मुझे पता नहीं इसकी क्या वैल्यू, कुछ भी हो सकती है, यह हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करे। सवाल ये उठता है कि जब ये 3 है तब क्या हम इसको क्या लें इसको, तो ये जो सिचुएशन है ये तो हमें बता नहीं पा रही। अब इसलिए हमें नया टूल डिफाइन करेंगे जस्ट टू हैंडल दिस सिचुएशन, उसको हम कहेंगे लिमिट, कंसेप्ट ऑफ लिमिट एट ए पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ लिमिट एट ए पॉइंट। यहां पर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है 3, ये पॉइंट हमारा इंटरेस्ट है। अब हम ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर ये वैल्यू तो मुझे नहीं मिल रही, लेकिन इसके अगल बगल में, इसके नेबरहुड में मैं इसका बिहेवियर स्टडी करूंगा, कैसे? अब इस पॉइंट के नेबरहुड का मतलब है ये हुई नेबरहुड, इस पॉइंट की नेबरहुड में हम जब इस पॉइंट पर आने, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमारे इस पॉइंट पर है, तो हम इधर से इस पॉइंट पर आएंगे इस तरह से, और इधर से ऐसे आएंगे। तो इस पॉइंट पर आने के दो तरीके हो गए, फ्रॉम द लेफ्ट टुवर्ड्स द पॉइंट, फ्रॉम द राइट, हम यहां खड़े हुए हैं, ये राइट साइड है हमारी, फ्रॉम द राइट टुवर्ड्स द पॉइंट, फ्रॉम द लेफ्ट टुवर्ड्स द पॉइंट। अब आप देखिए, जैसे इधर है, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, तो ये तो फिक्स पॉइंट है 3, ये पॉइंट मैंने मान लिया 3+h। आप देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये x इधर को इंक्रीजिंग है, ये 3 है, तो इधर के इसके राइट में जितने भी पॉइंट होंगे राइट में वो 3 से ज्यादा होंगे, तो मैंने मान लिया 3+h, क्योंकि h मैंने मान लिया पॉजिटिव है, तभी तो 3+h 3 से बड़ा होगा, यानी ये सारे पॉइंट 3 के इधर होंगे राइट साइड। और जब हम इसके लेफ्ट से चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3-h, देख लीजिए 3-h 3 से कम होगा। अब हमारा क्या पर्पज है? हमारा पर्पज है 3 पॉइंट पर आना, यानी इधर से इधर को आना और इधर से इधर को आना, टुवर्ड्स द पॉइंट 3। एच जैसे जैसे आप ये पॉइंट इधर आएगा, इसके नजदीक आएगा, क्या होगा? एच की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी h रिड्यूस होता जाएगा, h की वैल्यू जैसे जैसे h कम होगा वैसे वैसे ये पॉइंट इसके नजदीक आएगा, और अल्टीमेटली जब हम यहां पर पहुंच गए तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको हम मैथमेटिकल नोटेशन में ऐसे लिखते हैं कि h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ये पॉइंट आपका सपोज करिए ए है और ये पॉइंट हमारा बी है,
तो हम कहेंगे एज एच टेंड्स टू जीरो ए पॉइंट अप्रोचेस टूवर्ड्स बी, हो रहा नहीं हो रहा, देखिए ए पॉइंट। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो देन ए टेंड्स टू बी फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट साइड से चलेंगे तो हम एच तो पॉजिटिव ही है दोनों केस में, थ्री माइनस है, देखिए एच को कम करते जाइए तो ये पॉइंट इसके नजदीक आता चला जाएगा, राइट right? अब आप देखें हमने लिया था एक फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, जिसके हमने फैक्टर कर दिए थे एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री। ये पॉइंट आपका, चूंकि आप ए से बी पर आ रहे हैं, ये थ्री है, ये थ्री प्लस एच है, हम यू मूव कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि थ्री प्लस एच थ्री नहीं है, ये डिस्टेंस, ये लेंथ डिस्टेंस कितनी है, एच है, ये डिस्टेंस हम कम करते चले जा रहे हैं, यानी एच जो है वो जीरो नहीं है फिलहाल, मोशन है उसमें, देखिए मोशन हम इसके नजदीक आ रहे हैं, और जब हम यहां पहुंच जाएंगे तो एच जीरो हो जाएगा, यानी एच लास्ट में जीरो बनाने का मतलब है कि मोशन वो कंप्लीट हो गया, हम तीन पर पहुंच गए। अब इसको स्टडी करिए, ये हो जाएगा आपका, चूंकि आपने एक्स मूविंग पॉइंट लिया तो एक्स बराबर थ्री प्लस एच रख दिया, तो ये हो जाएगा एच एच प्लस थ्री अपॉन एच, ये बना देखिए फंक्शन वाई बराबर। अब पहले क्या डिफरेंस था, पहले तो ये था कि हम थ्री पॉइंट पर ही स्टडी कर रहे थे, तो यहां भी जीरो यहां भी जीरो, अब हम थ्री पॉइंट पर नहीं है बल्कि मूव कर रहे हैं इधर को, तो एच एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, और चूंकि एच नॉन जीरो क्वांटिटी है तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बन गया एच प्लस सिक्स बिकॉज एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, हम बढ़ रहे हैं इस पॉइंट की तरफ इधर से, और लास्ट में हम पहुंच गए यहां पर, तो हमने एच को जीरो बना दिया, जब एच को जीरो बना दिया तो जो डिस्टर्बिंग फैक्टर था देखिए वो रिमूव हो गया और ये छह आ गया, एच को जीरो कर दीजिए तो वाई की वैल्यू सिक्स आई, लेकिन वैल्यू कब आई, जब हम मोशन के थ्रू आए, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो इज इक्वल टू सिक्स, राइट हैंड लिमिट कहेंगे हम इसको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो प्लस, ये मैं ध्यान दीजिए प्लस को मैंने जीरो के राइट में लिखा है, ये पॉजिटिव नहीं है बल्कि डायरेक्शन का सेंस है, तो हम कहेंगे इसको लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस इज इक्वल टू सिक्स। अब लेफ्ट साइड से देखिए, जब हम लेफ्ट साइड से आएंगे क्या लिया आपने, x बराबर थ्री माइनस, आइए अब लेफ्ट साइड से देखते हैं, देखिए लाइन है ये आपका पॉइंट थ्री है, अभी तक हमने देखा यहां से इधर को चल रहे थे तो इसकी पोजीशन हो गई थ्री प्लस एच, ये डिस्टेंस h हो गई, अब इधर से आइए डिस्टेंस तो ये भी h ही है और ये हो गई थ्री माइनस एच, दिस पॉइंट इज मूविंग टूवर्ड्स दिस, मैंने आपको बताया ना कि लिमिट का मतलब है सेंस ऑफ मोशन, मोशन है उसमें। अब आप आइए लेफ्ट साइड से, तो हमने रखा ये मूविंग पॉइंट एक्स है जो कि थ्री की ओर बढ़ रहा है, मूव कर रहा है, यानी हम कहते हैं टेंड कर रहा है, द पॉइंट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स थ्री, मूव कर रहा है, तो अब पुट एक्स इक्वल टू थ्री माइनस एच, जैसे जैसे ये पॉइंट इधर जाएगा एच रिड्यूस होता जाएगा, तो हम इसको कहते हैं एच इज टेंडिंग टू जीरो, एज एक्स इज टेंडिंग टू थ्री एच इज टेंडिंग टू जीरो, और सेम लॉजिक राइट साइड में भी है। अब आप आइए वाई इक्वल टू, हमने एक्स की वैल्यू ये रख दी, एक्स तो एक्स माइनस थ्री कितना हो गया माइनस एच, तो माइनस एच और ये हो गया एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस एच प्लस थ्री, यहां रखी वैल्यू अपॉन फिर माइनस एच आ गया,
अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि h अभी जीरो नहीं है, क्योंकि अगर h जीरो कब होगा? लास्ट में होगा, यानी मोशन समाप्त हो गया, मोशन पूरा हो गया, मूवमेंट पूरा हो गया। अभी तो हम मूव कर रहे हैं, तो जब मूव कर रहे हैं तो एच जीरो नहीं है, नॉन जीरो क्वांटिटी है, इसलिए हम इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। वी कैन कैंसिल बाई ए नॉन जीरो क्वांटिटी। तो ये आ गया वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एच, और अल्टीमेटली हमको यहां पर पहुंचना है, एच को जीरो बनाना है। तो अल्टीमेटली हमने जब जीरो बना दिया तो ये वैल्यू 6 आ गई। इसी को हम ये कहते हैं कि एच इज टेंडिंग टू जीरो, यानी हमने कहा कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ऑफ वाई इज इक्वल टू 6। अब आप देखिए इस पॉइंट पर मुझे मालूम नहीं था इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन मैंने ये देखा कि जब मैं इधर से चलूं या इधर से चलूं तो इसकी वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है 6। तो लिमिट एग्जिस्ट कर, हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट इज ए टू साइडेड कंसेप्ट, लिमिट फ्रॉम द राइट एंड लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट। हम इसको ऐसे लिखते हैं कि राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स और लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, दोनों वैल्यू सेम है। यहां पर सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ये वो केस है जिसमें दोनों वैल्यू सेम है। राइट आर एफ एक्स इज इक्वल टू एल एफ एक्स यहां पर, तो इसलिए हम कहेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 6। लिमिट का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? ऐसा भी हो सकता है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग हो, अलग अलग वैल्यूज आती हैं। उस केस में हम ये कहते हैं कि वन साइडेड लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी इन जनरल इसको कैसे लिखते हैं कि फंक्शन एफ एक्स, ये वो फंक्शन है जिसका हमको बिहेवियर स्टडी करना है, कहां पर? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, हम जनरलाइज कर रहे हैं कंसेप्ट को, नोशन को। ए प्लस माने एक्स ए की तरफ चल रहा है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये कहलाएगी राइट हैंड लिमिट। दूसरा हो जाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स टेंडिंग टू ए माइनस। यहां ध्यान देने की बात है, ये ए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये साइड, अगर नेगेटिव होता तो मैं इसके लेफ्ट में लगाता। ए माइनस का मतलब है एक्स इज मूविंग टुवर्ड्स ए, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ये मतलब है इसका। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। तो ये वन साइडेड लिमिट है, ये भी और ये भी, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब ये दोनों इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन एफ एक्स की लिमिट, वो फाइनाइट क्वांटिटी मान लिया एल है, जैसे अभी एग्जांपल में हमने देखा 6 आई थी तो एल है, तो हम इसकी कहेंगे लिमिट एल है, और हम सीधे से लिखेंगे एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए। अब मैं ना प्लस लिखूंगा ना माइनस लिखूंगा, क्यों? क्योंकि क्लियर है दोनों साइड से हम इस वैल्यू पर आ रहे हैं, इसलिए मैंने साइड मेंशन नहीं। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है। हमारे पूरे कैलकुलस में हम लिमिट का यूज करते हैं, और आपने देखा कि लिमिट बहुत ही इजी टूल है हमारे पास। तो लिमिट, ये तो जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था y इक्वल टू, जैसे ये दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, इसमें हमने देखा था कि जो लिमिट आई थी एक्सटेंडिंग टू 3 पर, वो दोनों तरफ से 6 आ रही थी। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिसमें राइट हैंड लिमिट आपको कुछ मिलेगी और लेफ्ट हैंड लिमिट आपको अलग मिलेगी। एक एग्जाम्पल वो ले लेते हैं, जैसे देखिए वाई इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स। इस फंक्शन को देखिए, हमने क्या डिफाइन किया, ये तब डिफाइन किया जब एक्स जीरो नहीं है। आप हमारी सीमाएं समझ रहे होंगे, हमारी जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन का मतलब क्या है कि जीरो नहीं ले सकते हम, क्यों? क्योंकि जीरो पर फिर ये जीरो बाई जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड।
चलिए इसकी लिमिट देखते हैं, एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड। कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे एक्स बराबर, जैसे ये है देखिए ये ओरिजिन है, तो इससे चलेंगे इधर को तो ये डिस्टेंस एच हो जाएगी, तो एक्स को आप रखेंगे जीरो प्लस एच, रखिए इसमें वाई इक्वल टू हो गया मॉड एच अपॉन एच, एक्स को जीरो प्लस एच तो एक्स की जगह एच रख दिया मॉड एच अपॉन एच। माइंड इट एच पॉजिटिव है, कहीं तो हमको अपने आइडियाज को फिक्स करना पड़ेगा, एच पॉजिटिव है तो ये हो गया, क्योंकि एच पॉजिटिव है तो मॉड एच एच हो गया, ये भी एच हो गया, वन आ गया। अब लिमिट ऑफ द फंक्शन वाई एज एच टेंड्स टू जीरो, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको यही ओरिजिन पर आना है, अब इसमें एच है ही नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच, तो इसकी वैल्यू वन ही रहेगी, एच का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आपने देखा कि राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की वन आ गई। अब द लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो कैसे, इधर से चलेंगे आप इधर से, तो ये हो गई माइनस एच, एक्स बराबर माइनस एच रखेंगे आप, तो अब ये हो गया माइनस एच का मॉड अपॉन माइनस एच, क्योंकि फंक्शन हमारा देखिए मॉड एक्स अपॉन एक्स है, एक्स की जगह माइनस एच रख दिया, अब ये हो गया एच क्योंकि एच पॉजिटिव है और ये माइनस एच ही रहा, अब ये कैंसिल हो गया तो वाई बराबर माइनस वन आ गया। जब आप लिमिट लेंगे, लिमिट वाई, लिमिट ऑफ वाई एज एच टेंड्स टू जीरो, तो ये हो जाएगी माइनस वन। देखिए क्या आया, जब आप राइट साइड से चल रहे हैं यानी राइट हैंड लिमिट तो वन है और लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन है, यानी अलग अलग साइड से चल रहे हैं तो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, उस केस में हम कहेंगे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं ये आगे हमको बहुत मदद करेगा कंटिन्यूटी डिफाइन करने के लिए। अगला जो कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी का वो लिमिट के बाद आता है, लिमिट पर बेस्ड है, तो वो वहां हमको मदद करेगा। सो आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर टुडे, और यदि हमारे विद्यार्थियों को कोई और मदद की ज़रूरत है, एकेडमिक हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मेरा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, विज पांडे vijpande@gmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, and I will be happy to help you. I wish you good luck. Thank you very much. ठीक है।